वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर का एनालिस करेंगे सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो so, पेपर का एनालिस करने से पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये है आपके सामने बी फोर्थ सेमेस्टर पोलिटिकल साइंस का सिलेबस जिसमें यूनिट फर्स्ट है अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन क्लासिकल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो लिब्रलिज़म कम्पलेक्स इंटरडिपेंडेंस स्ट्रक्चरल स्ट्रकचुरोच वर्ल्ड सिस्टम सिसटमिज थियरी एंड डिपेंडेंसी थियरी। सो यूनिट सेकंड में है कोल्ड वार इरा सेकंड वर्ल्ड वार एंड ओरिजिन्स ऑफ़ कोल्ड वार फेजेस ऑफ़ कल्ड वार कोलेब्स आफ सोट यूनियन यूनिट थर्ड में है पोस्ट कोल्ड वार इरा एमरजिंग सेंटर्स आफ पावर यूरपिय यूनियन चाइना एंड जापान सो यूनिट फोर्थ में है इंडिया फॉरन पॉलिसी बेसिक डिटरमिनेट्स इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट इंडिया एज एन एमरजिंग पावर सो डियर स्टूडेंट हम करते हैं अपने पेपर का एनालिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पोलिटिक्स एमंग नेशंस इज ऑथर्ड बाय, दिस बुक इज ऑथर्ड बाई हेनस जे मॉर्गेन्थ्यू सो क्वेश्चन नेक्स्ट इज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डैश डैश रेफर्स टू ए स्ट्रैटी ऑफ इंक्रीजिंग कन्फ्रेंटेशन एवन टू द्वाइंट ऑफ रिस्किंग वार टू परसुएट द एडवर्स टू बैक डाउन ब्रिक मैनशिप ब्रिक मैनशिप मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ तब तक कन्फ्रेंटेशन नहीं लेती जब तक उससे ये श्योर्टी नहीं होती कि दूसरी कंट्री शॉट ऑफ वार है फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान कभी इंडिया में टेर अटैक करता है वो कभी इतना बड़ा टेरर अटैक नहीं करेगा जिससे पाँच छः सौ फौजियों की जान एक साथ चली जाए क्योंकि इसमें वार का खतरा रहता है सो फॉर एग्जाम्पल हम गिलास में उतना ही पानी डालते हैं जितना वो अपने अंदर बर्दाश्त कर सकता है जो उसमें फ्लो होगा वो उसका ब्रिकमैनशिप है सो so, इस प्रस्पेक्टिव से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो वी इंटरनेशनल एनआरची रादर दैन ह्यूमन नेचर एज द काज ऑफ पावर स्ट्रगल एमंग नेशंस कैनथ वाल्टज़्ज कैनथ वाल्टज की एक थ्यूरी है न्यो रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म जिसमें कैन वाल्टज़ का ये कहना है कि ह्यूमन नेचर इज़ नॉट सेल्फिश जबकि मॉर्गिन थू रियलिज्म में ये कहता है कि ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश लेकिन कैनथ वॉल्ट का कहना है कि ह्यूमन नेचर इज नॉट सेल्फिश बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम में हर वक्त एनर्जी रहती है लॉलेसनेस, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग के सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको पावर ग्रैब करना पड़ता है अपने नेशन को सर्वाइव करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट पावर रेफर्स टू हार्ड पावर सॉफ्ट पावर बोथ ए एंड बी हार्ड पावर जिसमें न्यूक्लियर वेपन मिलिट्री फोर्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट पावर जिसमें इकॉनमी कल्चर आर्ट फैशन और बाकी चीज़ें आती है जैसी पाई की थ्योरी है कि जब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों मिलते हैं तो स्मार्ट पावर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द हैज फेथ इन द एबिलिटी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन टू अशर पीस एमंग नेशनज कौन सी थ्योरी ये कहती है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पीस को बढ़ावा देती है न्यू लिबरलिज्म न्यो लिबरलिजम का मानना है कि स्टेट को ऐसे रहना चाहिए एम्पेयर की तरह और हमें अपना काम कर, करने देना चाहिए हमारी काम में दखल अंदाजी ना करे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका ए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट नेशनल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू मॉर्गिन थ्यू नेशनल इंटरेस्टस आर डायनामिक यानी एनर्जेटिक और ये बदलते रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडेंसी थेरी इज इंस्पायर्ड बाय न्यो मार्किजम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर सेमी पेरीफ्री पेरीफ्री आर की कंसेप्ट इन वर्ल्ड सिस्टम थीरी कोर कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जो डेवलप्ड होती है और सेमी पेरीफ्री जो इसके इर्द गिर्द होती है यानी अंडर डेवलपिंग और पेरीफ्री जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है जो बिल्कुल ही पुअर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूटेंट स्पीच ऑफ मार्च 1946 वाज गिवन बाय विनिस्टन चर्चल ने ये स्पीच दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज होर द लीडर्स ऑफ द यूएसए एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन व्हेन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपनड जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई उस टाइम पे सोवियत यूनियन और यूएसए के लीडर्स कौन थे रोबोट कैनेडी एंड निकिता कुरिस्च्यू ये लीडर्स थे उस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनिशिएटेड गिलासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोकिया इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन मिखाइल गचू गिलासनोस्ट यानी ओपनस मिखाइल गॉरबैचू ने कुछ अपने टर्म्स दिए थे गिलासनोस्ट उसने लोगों को बताया था कि हम थोड़ी ओपनस देते हैं ट्रांसपेरेंसी बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ताकि आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सको पेरेस्ट्रोकिया मीनज रिस्ट्रक्चरिंग और आप जानते हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से फिर सोवियत यूनियन कोलेब्स हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगनिंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर इज जनरली एसोसिएट इट इज एसोसिएटेड विथ एरस्टोल यू एस एस आर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन नाइनटीन एट Next question is detent refers to de-escalation of tensions. Detent a cold war phase hai, jo from 1967 to 1979 means tensions could relax. Ho gaye the, thode relax the. Next question is who among the following was not a member of the Axis powers in the World War second? France. France was not a member of Axis powers in the World War II. Next question is Manhattan Project refers to the US secret mission of producing the first nuclear weapon during the World War II. Next question is which of the following was an impact of the end of Cold War? Emergence of the US as the sole superpower. Pehle do blocks thi USA and USR. और जब यूएसआर एस आर हुआ कोलेप्स हुआ फिर यूएस सोल सुपर पावर बन गया यानी ऑनली सिंगल पावर यूनी वर्ल्ड यूनीपोल वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेटो वॉज फाउंडेड इन 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cultural revolution was started by Mao Zedong in China. Next question is which of the following is not the place of work for the European Parliament? London. London is not the work place of work for European Parliament. Next question is the decision of the United Kingdom to quit European Union through a popular referendum is generally referred to as ब्रेग्जिट यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना ब्रेग्जिट कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमरजेंस ऑफ टू सेंटर्स ऑफ पावर वॉज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वार पीरियड क्योंकि कोल्ड वार पीरियड में ही दो ब्लॉक्स एमर्ज हुई थी यूएसए एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बेल्ट वन रोड इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय चाइना Next question is Who is the current Prime Minister of China? Xi Jinping. Next question is Maastricht Treaty led to the foundation of European Union. Next question is Dash Dash is currently the Prime Minister of Japan. Den Zipang is the current Prime Minister of Japan. Next question is स्ट्रिंग ऑफ पैरल्स इज़ एन एम्बिशियस जियो स्ट्रेटजिक पॉलिसी ऑफ चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिटर्मिनेट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जियो पोलिटिकल फैक्टर्स सिक्योरिटी कंसिडरेशनस पॉपुलेशन ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दिज सही है क्योंकि इन सब फैक्टर्स को देख के इंडिया अपनी फॉरन पॉलिसी को मैंटेन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is the main architect of India's non alignment policy Jawaharlal Nehru is the main architect of India's non alignment policy Next question is Belgrade conference of 1961 was held in connection with the establishment of non aligned movement नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस पीसफुल को एग्जिस्टेंस म्यूचुअल नॉन एग्रेशन म्यूचुअल नॉन कापरेशन ये तीनों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फीचर्स है प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन काप्रेशन इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंडिया इमेज एज एन एमरजिंग पावर सोशल इनिक्वेलिटी हिंदू नेशनलिजम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज ऑल ऑफ दीज ये सभी ऐसी वजह है जो इंडिया को एक एमरजिंग पावर नहीं बनने देती क्योंकि इसकी अपनी कंट्री में थोड़ी खराबियाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नाट ए फाउंडिंग लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूमेंट Botros Gali is not a founding member of non-alignment movement. Next question is what is false about India's foreign policy? It is imperialistic. This is false about India's foreign policy. Next question is who is the Minister of State for External Affairs in India? So in my option, मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स है डॉक्टर एस जे शंकर सो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैक्स इंडिका इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द 21 वंथ सेंचुरी इज ए बुक रिटन बाय शाशी थरूर इसने ये बुक लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोजफ नाई इज़ द ऑथर ऑफ द पावर्स टू लीड सॉफ्ट हार्ड एंड स्मार्ट इसी में इसने वो थियोरी बताई है कि जब हार्ड और स्मार्ट पावर मिलते हैं तो स्मार्ट पावर बनता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वन द इंटेंट एक्शंस ऑफ वन नेशन आर परस्यूमड बाई द अदर नेशन एज एसेंशली ऑफेंसिव इट लीड्स टू एचुएशन कॉल्ड एज सिक्योरिटी डेलीमा सिक्योरिटी डेलीमा मतलब जब एक कंट्री अपने डिफेंस के लिए कोई हथियार खरीदती है जो उसके अपोजिट में कंट्री होती है उसको डेलीमा होता है कंफ्यूजन होता है कि शायद इसने हमारे ऊपर हमला करने के लिए ही ये हथियार खरीदे हैं जिसकी वजह से फिर वो कंट्री भी हथियार खरीदती है और इस वजह से फिर आर्म्स रेस बढ़ती है सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर